तो बेटा मैं a पावर 0 इक्वल टू 1 का प्रूफ करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा क्यों 1 होता है। ये आपको एंट्री टेस्ट में काम देगा, इंटरव्यू में काम आएगा ये आपको। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली a पावर 0, ठीक है। 0 को मैं लिख सकता हूं जी 2 माइनस 2 भी लिख सकता हूं, 3 माइनस 3 भी लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 भी लिख सकता हूं। समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, तो यहां पे मर्जी आपकी, 2 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 3 करें, मैंने 2 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लें, a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a पावर माइनस 2 हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो a पावर 2 ये हो गया। अब a पावर माइनस 2 है तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 ओवर a पावर प्लस 2, नीचे ले आया 1 अपॉन की शक्ल में लिखा, ये माइनस 2 है ना, 1 अपॉन जब की शक्ल में जब मैं लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा, a पावर प्लस 2, प्लस 2 हो गया, ये s स्क्वायर और s स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, क्या आया आंसर हमारे पास 1। तो 1 कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब आप लिखिए इसको। अच्छा जी, बात कुछ ऐसे है, लिख लिया बेटा, लिख लिया, शाबाश, इमान ने कहा लिख लिया जी। अच्छा जी, लिख लिया, गुड, जबरदस्त। अब बेटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है जी, और आज मिलके क्वेश्चन करेंगे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है जी, ये हमारा करना है जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, x पावर 3/2। देखिए लिखने का एक तरीका है, x ये बड़ा सारा करके लिखेंगे और जो पावर होती है हमेशा छोटी सी करके लिखी जाती है, 3/2 ऐसे छोटा करके, ठीक है। माइनस 2 पावर माइनस 1/2, ये जी, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, रेडिकल में, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा, लिखे ना बेटा, बिना लिखे x पावर ये लिख सकते हैं 3, और होल पावर कितनी हो सकती है 1/2, हो सकता है ना, 3 1 3/2 मुड़के वही आएगा। माइनस देखें, ये पावर माइनस 1/2 है ना, तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे ये लगेगा मेरा बेटा 1 ओवर, नीचे ले जाएं तो 2 की पावर कितना रहेगा 1/2, जब नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सिंपल चेंज हो जाएगी, या माइनस 1/2 है नीचे आके प्लस 1/2 होता है, ठीक है, ये चेंज हो गई। अब देखिए मेरा बेटा एक्स क्यूब या गया, इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, मैंने लिख के दिया था आपको याद है कि अगर ये लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, ये अगर ये लिखा हो तो ऐसे क्यूब रूट लिख सकते हैं। अब देखें ये 1/2 लिखा है ना, तो उसके मैं से स्क्वायर रूट डाल दूंगा, ठीक है, माइनस 1/2, और इसके भी डाल दूंगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसकी वजह से डाला, इस 1/2 की वजह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन इसका मोर करते हैं बेटा,
शाबाश, मैसेज किया बेटा व्हाट्सएप पे अगर किसी को कोई मसला हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर इसका 2 है जी, सॉल्यूशन है, अब इसे करते हैं। 2y-3/4 +4x/3/4 ये जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 देखिए बेटा, ये पावर -3/4 है ना, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये +3/4 हो जाएगा, +4x/4 ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक के साथ शेयर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, पहला स्टेप ये होगा। ठीक है, 2/y, इधर 3 लिखेंगे, बाहर कितना लिखेंगे ताकि 3/4 हो, शाबाश, आप मुझे बताएंगे 4x/3 लिखेंगे, बाहर कितना लिखेंगे जी, शाबाश मरियम, कितना लिखेंगे बाहर, यहां ऊपर क्या लिखेंगे, इधर 1/4, गुड, 1/4, ईमान बच्चे बात समझ आ रही है, शाबाश, गुड, 1/4 बेटा, शाबाश। तो अब क्या हो जाएगा जी, ये आ गया 2, ये हो गया वाई क्यूब, ये 1/4 है ना, तो इसको लिखेंगे 4th root ऐसे, ठीक है, +4 ये वाला ऐसे 4, ये एक्स क्यूब, ये इसको लिखेंगे छोटा सा करके ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, तो बात खत्म होगी ना बेटा, ये आपके शार्ट क्वेश्चन है, तो ये शार्ट क्वेश्चन वाली जगह पे लिखिएगा, ठीक है, नोट्स आपने बनाने हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 करवाता हूं आपको पहले, सॉल्यूशन 6x2y² / 2/5 है, ठीक है, 6+, ये देखें पावर माइनस है ना, इसको क्या करें, पॉजिटिव करें, तो पॉजिटिव करने के लिए 1/5 की शक्ल में लिखना पड़ेगा, 1/5 ये नंबर होगा, ये पावर हो जाएगी 2/5, यहां आ जाएगा x² + 2y², ठीक है, ये हो जाएगा जी 6+1/x² + 2y², इसका होल स्केयर लगाएंगे, बाहर कितना लगाएंगे नहीं बताऊंगा, वो लगाएंगे जी नहीं बताता, यहां पे आप खुद करेंगे और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, स्टेप में आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएं क्या आता है, खुद करके दिखाएं क्या आता है, शाबाश, इसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करें, शाबाश, यहां से आगे पिक्चर लेके सेंड करें, और एक क्वेश्चन और भी करेंगे आप, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर है जी 5, पार्ट नंबर 3 है जी, क्या है 3×4-x² / कितनी है जी -1/2 है, ये आप मुझे खुद करके दिखाएंगे अभी के अभी, शाबाश, जल्दी करें, नजर आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसको करके दिखाएं बेटा, शाबाश, स्क्रीन शॉट भेजिए मुझे, इस क्वेश्चन को भी आगे से सॉल्व करें और ये भी मुझे करके दिखाएं, पिक्स भेजिए, शाबाश, जो सबसे पहले भेजेगा वो होगा कौन जी, सिकंदर, जो पहले करेगा वो सिकंदर, जो बाद में भेजेगा आपको पता है, जो जीता वो सिकंदर, शाबाश, देखते हैं पहले कौन करता है।
शाबा बेटा सॉल्व करें इसको, जहां से नहीं समझ आ रही पूछिए। शाबाश बेटा जल्दी करें।